जंगल सफारी के सिक्योरिटी गार्ड और घूमने आए प्रवासी का हुआ विवाद। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा प्रवेश पास के टिकट मांगने पर हुआ विवाद। विवाद का घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। प्रवासी निकले केवड़िया ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, नर्मदा एसपी ने किया सस्पेंड। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जी हां, केवड़िया कॉलोनी नजदीक जंगल सफारी में देवी दुर्गा एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ जंगल सफारी घूमने आए प्रवासियों का विवाद हो गया। ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड द्वारा प्रवेश पास के टिकट मांगने पर विवाद हुआ। विवाद का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो के वायरल होने पर मिली जानकारी के अनुसार घूमने आए प्रवासी केवड़िया ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल थे। पांचों कांस्टेबलों को नर्मदा एसपी ने सस्पेंड कर दिया। गुजरात से कैमरामैन शंकर भाई तड़वी के साथ गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। मांगते हैं हम किसी से भीख नहीं मांगते। आदिवासी समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। जारे हमें गई काले हमारी घटना घटी समक्ष मीडिया सामने रजू करता आज ये जंगल सफारी ना साहेब श्री हमने तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, फरज पर नौकरी लायक नहीं, फरज पर नहीं आता आवी रीते निवेदन आप्यो हतो, जेथी करीने अमे नौकरी थी नाबाद थई छे। 20 जन नो स्टाफ छे अमारो ने बधा स्टाफ ने छूटो करी छे। मारो नाम डोंगरा बिल दिलीप भाई खिमजी भाई, हूँ जंगल सफारी ने एंट्री गेट पर फरज बजावशु। अने गई काले हूँ फरज बजावती वखते केवड़िया ट्राफिक पोलिसवाड़ाए एंट्री मारता हूँ एमनी पासे एंट्री टिकट मांग करता उग्रताई भरे वर्तन कर्यो अने मने जबरदस्ती मारकोट करवामां आवेलो हतो। अने मार करता मने केवड़िया ट्राफिक पोलिस स्टेशन लई गया अने त्यारबाद त्यां 2 कलाक बेसाड़ी राखवामां आवेलो हतो। आ बाबते हूँ अमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटना साहेबश्रीओने जाण करेली हती।